जय हिंद। नमस्कार, मैं सचिन चौधरी, सिटी वेब न्यूज़ से। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक होता है, लेकिन जिस तरीके से NRC और CAA पर विरोध हो रहा है, हिंसात्मक विरोध हो रहा है, आगजनी तोड़फोड़ हो रही है, तो आखिर ये हिंसा क्यों? आइए जानते हैं जनता से। श्रवण मित्तल, नहीं, हिंसक विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। अपनी बात आप रखें, शांतिपूर्वक रखें, सुनी उसमें भी जाएगी अगर आप जायज हैं। अगर आप सही नहीं हैं तो आप चाहे हिंसा कर लो, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने का। उससे नुकसान आप ही का है, देश का नुकसान है जी सर। इससे फ़ायदा कुछ नहीं है जी सर। और जहाँ तक ये बात है, ये उन जो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो कुछ गलत फहमी उन्हें हो रही है, उन्हें गलत बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बिल पास हुआ हुआ है, ये एक देश के लिए बहुत बढ़िया बिल है और इसका फ़ायदा मिलेगा। जो घुसपैठी आ रहे हैं दूसरे देशों से, हो सकता है वो आतंकवादी भी हों, वो नुकसान तो आपको ही पहुँचाएंगे, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। तो जो विरोध हो रहा है वो जानकारी के अभाव में हो रहा है। वो जानकारी के अभाव में कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, बड़े जो नेता लोग हैं जिनका आप कोई मतलब है ही नहीं, कहीं अस्तित्व नहीं है, और क्या करेंगे बैठ के खाली। सतीश कपिल, हिंसक विरोध करना किसी भी चीज़ का कतई जायज़ नहीं है, और ये देश हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं करता। गांधी का देश है, हिंसा में हम कतई यकीन नहीं करते। लेकिन ये जो गलत तरीके से CAB लागू करने की कोशिश की जा रही है, NRC लागू करने की कोशिश, इसको क्रश करना भी सरकार का बिल्कुल गलत तरीका है। इसको क्रश नहीं करना चाहिए, और जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको करने दिया जाना चाहिए। दर्शन सिंह, देखिए, विरोध एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर हिंसा आ जाए तो ये मेरे हिसाब से सरकार का काम बनता है कि ये देखा जाए कि ये हिंसा जो है किस तरह से हो रही है, क्योंकि हिंसा या लूटपाट में असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं, और किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये जो है, मेरा मानना ये ठीक नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और इसका जो है इसको देखा जाना चाहिए कि ये सामाजिक तत्वों की तरह से हिंसा हो रही है या वास्तव में ये आंदोलन ही हिंसात्मक है। जसवीर चौधरी, बेहद अनुचित है। अच्छा, बिल्कुल, और इस देश के नागरिक का कोई संबंध ही नहीं है इस कानून से, इस बिल से, तो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मोहम्मद हुमायूं, अभी तो आधे लोगों को ये पता नहीं है क्या, किसी की नॉलेज में है ही नहीं, और जैसा पीछा आसाम में हुआ वो जो सुन रहे लोग उसी के व्यापक बोल रहे हैं। मतलब जानकारी के अभाव में विरोध हो रहा है, वो भी हो रहा है। एक गलत तो है ही है कानूनी। विजय कुमार शर्मा, ये गलत हो रहा जी, हाँ, होना चाहिए ये। दिनेश कुमार, ये हिंसात्मक विरोध गलत है जी, नहीं होना चाहिए इस तरह से। अभिषेक, नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जब देश हित में कोई चीज़ आई है तो उसका समर्थन करना चाहिए लोगों को। कुलदीप कुमार जैन, ये गलत हो रहा है हिंसात्मक विरोध। लोकतंत्र में सबका हक होता है कहने का। इसमें पर एक बात ये है कि जैसे मोमेंट्स लोग कहते हैं कि मोमेंट्स को नागरिकता नहीं मिली, हमने सुना है कहीं पर, लेकिन जो पहले से लोग रह रहे हैं, मोमेंट्स रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, उनकी नागरिकता को तो कोई ख़तरा नहीं है। जो बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटी है, उनको लोग नागरिकता दी जा रही है। जो पहले से ही माइनॉरिटी में नहीं है उनको नागरिकता ने हमारे देश ने नहीं दी। मेरा मानना यह है कि जो लोकतंत्र में चीज़ हुई है, जो हमारी सरकार ने की है, वो बिल्कुल सही की है माइनॉरिटी के लिए, उधर की माइनॉरिटी के लिए। मेरा नाम गौरव दहिया है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में इस तरह का विरोध का कोई जगह नहीं होती। भारत की पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह सड़क पर आ गया किसी भी आदमी को, किसी भी देशवासी को, ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा नाम दीपक कुमार। ये बिल्कुल गलत है। हमारी संसद ने कोई कानून पास किया है और वो देश हित में किया है, और जहाँ देश हित की बात होती है वहाँ विरोध करना गलत है मेरे हिसाब से। और सड़कों पर उतर कर विरोध करना तो बिल्कुल ही गलत है। अगर उनको अपनी बात रखनी है तो किसी मंच पर आएँ, मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखें, कोर्ट में जाएँ, कानूनी लड़ाई लड़ें, उसके लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन रोड पर सरकारी संपत्ति को जला देना, फूंक देना या इस तरह के विरोध करना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने देश के प्रति भी है, कुछ अपने देश के प्रति हमें कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई बिल है पहले इसके बारे में समझोना ही है क्या, उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया। जानकारी के अभाव में विरोध हो रहा है बिल्कुल।
अमर कुमार जैन, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसमें जो नागरिकता संशोधन विधेयक है जो पारित हुआ है, इसमें किसी को नुकसान तो है नहीं, ये तो देने का है, नागरिकता देने का है, जिससे कि जो परेशान लोग हैं जो बाहर से अपने वो आ रहे हैं, लेकिन ये नागरिकता छीनने का नहीं है। गलत मतलब इसका प्रचार किया जा रहा है, जानकारी के उसमें ही विरोध हो रहा है, जानते हुए विरोध हो रहा है, लेकिन बहुत सी पब्लिक इसको भी जान नहीं पा रही है, उनको भड़काया जा रहा है। मतलब जैन, हमारा तो कहना यही है कि ये जो विरोध हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो है सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, बट जो लेकिन हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। मतलब दिल्ली में जो कुछ हुआ है, जो हमने देखा है, वो सब सही नहीं है। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।